प्रदीप कुमार करके कोई बंदा है हमारे ग्रुप में, ओके हाँ, उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया एप्लीकेशन में कि गुजराती लोग तो पता नहीं हर जगह घुस जाते हो, मौका परस्त होते हो और चीटर होते हो, और गुजरात से कोई सेना में तो है नहीं, यहाँ पे ऐप देखा तो शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप इस काम में ना जुड़ें, वो भाजपा के ऐसा है? एजेंट होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, मैंने उसको क्या रिपोर्ट किया उसकी आईडी को, तो शायद आप में एडमिन में दिखाएगा रिपोर्ट मैंने किया था कि अच्छा ऐसा ये। हाँ, दूसरा ये राजेश सर करके है जो आपके साथ वीडियो मीटिंग में साथ में थे, हाँ, हाँ उनका मुझे एक मैसेज आया कि आपने जो एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज की है, आपने जो पोस्ट की है, तो आपको रिपोर्ट किया जाता है आपको। मैंने बोला ऐसी तो मैंने कोई पोस्ट डाली नहीं है जिसमें गलत लैंग्वेज हो, हाँ तो एब्यूसिंग लैंग्वेज या रिपोर्ट किया जाता है, दोबारा आपने पोस्ट डाली तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ये ऐसा था। राजेश भैया जी ने कहा है। हाँ राजेश जी ने, मैंने स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ अच्छा मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम बताता है, तो सिस्टम के हाँ यार्डस्टिक में आपने जो पोस्ट किया होगा उसमें आपकी एक्टिविटी गलत होगी, तो वो जो है उन्होंने तो सिर्फ आपको मैसेज दिया है, हाँ जी, क्योंकि आप मुझे देख के सिर्फ बताइए कि क्या है, तो मुझे पता चले तो मैं वैसा पोस्ट कुछ भी मेरे से गलत किया हुआ मुझे पता नहीं। नहीं, वो शायद उनको राजेश जी को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि सिस्टम की जो अपनी एल्गोरिदम है वो ये डिटेक्ट करती है कि किसी की कोई गतिविधि आपत्तिजनक तो नहीं है, राइट। और फिर मुझे क्या वो लगता है सर जस्ट ए इसमें? मिनट जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट मैं आपको समझाता हूँ ना, और हमारे पास फिर उसकी वो आती है, चूंकि ये सब जो है कोऑर्डिनेटर्स हैं, मॉडरेटर हैं, तो इनको हमने ये अधिकार दिए हैं कि ये बटन दबा के जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज आपके पास जाता है कि आपने जो ये काम किया है ये उचित नहीं है, तो वो मैसेज भी सिस्टम का है, उन्होंने तो हाँ, केवल तो बटन दबाया है, ठीक है ना। सिस्टम से कहीं उनको पता तो चलेगा ना ऐसा कौन सा हाँ, तो पोस्ट, क्योंकि मेरे सिस्टम को। जो है ना ज़्यादा नहीं बताता है, वो केवल एल्गोरिथम ये बताती है कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं चल रहा है, इनको आप वार्निंग दे दीजिए, ठीक है ना। तो वो सिस्टम में जैसे ही आप वार्निंग वाले मैसेज पे बटन दबाएंगे तो एक वार्निंग जनरेट होगी कि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, आप उसमें सुधार लाइए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। और ये ओके सर, मैसेज भी खुद नहीं लिखना पड़ता है, ये हाँ सिस्टम हाँ जनरेटेड मैसेज होता है, तो आप उसको अपने खुद को आप देखिए कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है और उसको सुधार लीजिए। नहीं, मैंने मेरे सभी पोस्ट देखी, कोई जगह पे ऐसा कोई गलत सेंटेंस वाक्य यूज नहीं है। आप एक इसके बारे में एक पूरी एप्लीकेशन लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं टेक्निकल टीम को भेजता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है। हाँ, ठीक है सर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा है, वो भी आप देख लीजिएगा। और मैंने बोला स्क्रीनशॉट में मुझे रुचि नहीं है, क्योंकि वो जो है किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, व्यक्ति के को तो जो पावर दिए गए हैं उसने उसको देख पे सिर्फ बटन दबाया है, क्योंकि क्योंकि सिस्टम एल्गोरिदम डिटेक्ट करती है, जैसे ही आपस में जो गड़बड़ सड़बड़ करते हैं वो सिस्टम उस पर नज़र रखता है, राइट। और वो सिस्टम रिपोर्ट करता है कि इस व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध हैं, ठीक नहीं हैं, और उसी में नीचे लिखा होता है वुड यू लाइक टू वार्न हिम, तो मॉडरेटर सिर्फ उस वार्निंग वाले बटन को दबाता है। ओके, वो तो समझ में आ गया सर। और ये प्रदीप कुमार जी जो है उनका भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, वो भी आप देख मैं लीजिएगा देख उसमें लूंगा, लिखा क्योंकि प्रदीप कुमार के विरुद्ध भी रिपोर्ट हमारे पास आई थी, तो हो है। हाँ जी, सकता है हाँ जो जी, आपने रिक्वेस्ट की है उसी के कारण आई होगी, क्योंकि आपके बिना कहे आप दोनों की रिपोर्ट हमारे पास पहुंची थी, तो हमने तो उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया था, लेकिन वो राजेश जी ने उस पर एक्शन ले लिया होगा, क्योंकि उन्हें इस बात का हमने ताकत दी हुई है, सभी मॉडरेटर को हमने ये शक्ति प्रदान की हुई है। ओके सर, तब मुझे समझ आ रहा है कि शायद मैंने उनका रिपोर्ट किया इसलिए उन्होंने मेरा रिपोर्ट कर दिया, शायद प्रदीप कुमार जी ने सिस्टम प्रदीप को। कुमार जी ने नहीं किया होगा, ये एल्गोरिदम डिटेक्ट करती है, ओके, तो हो सकता आपकी है कोई गतिविधि ऐसी होगी जो एल्गोरिदम के हिसाब से गलत मानी जाती है, राइट। तो शायद गुजराती में एक मैसेज है, शायद लैंग्वेज की वजह से हुआ होगा, गुजराती लैंग्वेज में मैसेज है तो हो ये सकता हिंदी है, हो सकता है, आई एम नॉट नहीं वेरी है तो इसलिए। आई एम नॉट वेरी श्योर, उस चीज़ को वो नहीं पढ़ पाया होगा, तो उसने उसे हाँ मैलिशियस माना होगा, खराब माना होगा, ये कारण हो सकता है। हाँ लैंग्वेज नहीं समझ पाए होंगे गुजराती शायद हाँ, से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके सर, और मेरा आपसे ये कहना था कि इसके अंदर हम जो काम कर रहे हैं, हम जो डेवलप कर रहे हैं, करीब करीब पहले दिन में आपने देखा होगा हमारी बात के बाद जो दूसरा दिन हुआ उसमें मेरा और मेरी टीम के थ्रू 30 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ग्रुप में। अपन को इससे ज़्यादा गति से चलना है, और मैंने एक शपथ पत्र जारी किया है, सबसे पहले वो शपथ, वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है सर। अच्छा वेरी गुड, तो वो शपथ पत्र मैं देख लूँगा, क्योंकि वो तो पब्लिक पब्लिश होता है पब्लिक के लिए, ठीक है ना। और उसमें साथ में आप अपनी आईडी को भी अटैच कर दीजिए, आईडी की स्क्रीनशॉट लेके
और आईडी वाला पोर्शन जिसमें आपका फोटो वोटो होता है, तो वो आपका शपथ जो है वो आपकी आईडी के साथ जाएगा, तो देखने में इम्प्रेसिव लगेगा, राइट। अब आपने यदि देखा होगा तो हमने उसमें दिन बांट दिए हैं, तो पहला जैसे जो दिन है वो है अपनी पत्नी या पति को और बच्चों को और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़िए, ठीक है ना। ये सोमवार का व्रत है, राइट। वो मंगल तो का मैं जो समझ मंगल गया, की सात जो सात दिन का आपका, मंगल समझ गया, सात दिन सातों का। दिन का है, वो मंगलवार का है कि अपने मित्रों को पड़ोसियों को जोड़ो, बुधवार का है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि ये दो चीज जो ऐसी हुई ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये नहीं आगे नहीं काम करे, हम मेहनत करें। और उससे आप हाँ चिंतित मत होइए, वो सिस्टम जनरेटेड चीजें हैं, वो अपन समझेंगे आगे चल के क्यों हुआ क्या हुआ। आप वो केवल आपको अपने समझ गया, ऊपर नजर मैंने रखिए, बताया। क्योंकि सिस्टम आपके ऊपर नजर रखता है, बिल्कुल और वो बिल्कुल सिस्टम जो है ना कोई व्यक्ति नहीं रखता है, वो एल्गोरिदम रखती है। तो एल्गोरिदम डिटेक्ट करती है कि कुछ कुछ सस्पिशियस है। हर व्यक्ति को देखने का तो दूसरा, समय किसी के पास होता नहीं है। दूसरा मुझे आपसे ये कहना था कि हमारे अगर आपको कभी भी फोन करना है तो एक ये चीज रहती है कि अपना मतलब हर एक कॉल है वो आप मतलब पोस्ट करते हो या फिर कोई ऐसा। नहीं, मैं सभी कॉल पोस्ट करता हूं, जिससे जैसे अभी ये जो अपन बात कर रहे हैं ये भी पोस्ट होगा। बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें आपको कभी कॉल करना हो तो अगर जनरली कोई भी बातचीत हो तो हर एक कॉल पोस्ट रहते हैं सर। वो 100% पोस्ट होगी, क्योंकि मैं किसी को निजी बात करने का हक नहीं देता हूं। यदि आप कोई ऐसी बात जो पब्लिक में नहीं जाना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझसे आप करिए ही मत। नहीं, ऐसी तो कोई बात हम गलत करते ही नहीं है, सिर्फ मुझे नहीं आपसे नहीं पूछना वो था हम मतलब ये कह हर रहे हैं कि किसी। हम कमिटेड हैं कि आप खट्टी बात करेंगे तो वो भी जाएगी, मीठी बात करेंगे तो वो भी जाएंगे, यदि आप मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे तो वो भी जाएगी पब्लिक डोमेन में, बिल्कुल सर, उसमें क्या है कि क्योंकि अगर उससे हमें ये ये तो मालूम। पारदर्शक चीज है, पारदर्शक हाँ, चीज है। पारदर्शी बनाया गया है, सिस्टम पूरा पारदर्शी बनाया है, हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का मौका दिया गया है, और ये चंद्रगुप्त प्रेम वाला चंद्रगुप्त है, जिसे लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है, और बहुत गति से जोड़ना है, और बहुत आसान है। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे जिन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र खुद जुड़ के कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। बिल्कुल सर, 99 करोड़ लोग यदि पति है तो पत्नी को जोड़ ले, और पत्नी है तो पति को जोड़ ले, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प, मतलब 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र पति या पत्नी को जोड़ के पूरा हो रहा है। अब बचे हुए जो 1 करोड़ लोग हैं, उसमें मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, और जो व्यक्ति दूसरे दिन जुड़ा है उसे 80 व्यक्तियों को जोड़ना है, जो व्यक्ति तीसरे दिन जुड़ा है उसे 70 व्यक्तियों को जोड़ना है, जो व्यक्ति चौथे दिन जुड़ा हुआ है उसे 60 व्यक्तियों को जोड़ना है, जो व्यक्ति 5वें दिन जुड़ेगा उसे 50 व्यक्तियों को जोड़ना है, जो 6वें दिन जुड़ेगा उसे 30 व्यक्तियों को जोड़ना है, जो 7वें दिन जुड़ेगा उसे 20 व्यक्तियों को जोड़ना है, और जो 8वें दिन जुड़ेगा उसे मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और जो 9वें दिन जुड़ेगा वो किसी को नहीं जोड़ना है। तो उसे 90 करोड़ बिल्कुल लोगों जोड़ना को है, किसी को नहीं जोड़ना है, 9 करोड़ लोगों बिल्कुल सही को कह मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख को मात्र जो है 30 लोगों को जोड़ना है, 90 हजार बिल्कुल को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 हजार मात्र को 50 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों बिल्कुल को 70 को जोड़ना है, और 9 लोगों को मात्र 80 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त अकेले को 90 लोगों को जोड़ना है। यदि इतना हम कर लेते हैं तो हमारा 100 करोड़ का संकल्प 9 दिन में पूरा हो जाएगा। कितना बिल्कुल सर, आसान है आपने ये? आपने 80 लोगों का बोला मैक्सिमम, मैं 80 नहीं उससे भी ज्यादा लोगों को जोड़ने की मेरी नहीं, प्रयत्न कर। ये तो संकल्प वाला है, राइट। यदि हाँ आप जी, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त का मतलब है कि आपको 543 जो सांसद का टिकट बांटा जाएगा, तो अपने अपने क्षेत्र में हाईएस्ट जो है प्रतिष्ठा पॉइंट पाने के लिए, जो भी पाएगा उसके लिए हमारी एक, हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है, हाँ वो मैंने वीडियो में सुना आपका। हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम 2024 तक गोपनीय रखा जाएगा, और ओके उस सर, पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम ही नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ इतना ही काम है कि जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है उसकी जो है वो खाना पूर्ति कंप्लीट करे, जिससे उसे कोई अवैधानिक घोषित ना कर दे, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा उसका काम केवल इतना ही रहेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो चंद्रगुप्तों की सूची देगा,
वो पार्टी हाथ जोड़ के उनके पास जाएगी कि मुझे आदेश मिला है कि आप चंद्रगुप्त हैं, ले आजा, मैं आपको सांसद बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, सांसद का टिकट देना चाहता हूँ, राइट। और यदि मान लो आप कहते हैं हम नहीं बनना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आपसे जो नीचे वाला चंद्रगुप्त होगा उसको दे देंगे, बिल्कुल राइट। फिर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का काम खत्म हो गया, ना वो आपका चुनाव प्रचार करेगी, ना कोई आम सभाएं लेगी, ना कोई जुलूस निकालेगी, ना कोई धरना करेगी, कुछ नहीं करना उसको, मतलब उसको सिर्फ इतने काम के लिए ही पैदा किया गया है, बाकी सब हमारे जो 100 करोड़ लोग जुड़े हो गए उसको, वो 100 करोड़ लोग जो है वो अपने छत, देखिए वो अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और जो चंद्रगुप्त है उसके फेवर में कहेंगे कि मैं संकल्प लेता हूँ कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मुझे मैं इसे जिताऊंगा। अब ये दुष्ट राजनेता जो गरीब लोग हैं उनको जाके फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो हमारा निर्देश अपने गरीब जो है ना सदस्यों को होगा कि इन राजनेताओं से आप बात करिए, उनसे कहिए कि साहब 1,000 और 2,000 रुपए क्यों बांट रहे हो, 20 या 30 हज़ार के नीचे काम नहीं बनेगा, राइट। तो 20 या 30 हज़ार रुपए लीजिए उनसे, नंबर वन। यदि वो साड़ी बांटे तो कहो कि एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी चाहिए। यदि वो दारू की बोतल बांटे तो उसे कहो कि भैया दारू की लत तो तुम्ही ने लगाई है, तो कम से कम 1 क्रेट तो दो। और इसके तो लेता नहीं है, नहीं नहीं आप नहीं, जो लेता है, जो लेता है भाई, अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो दारू बांट के जीतते हैं ना। तो इनकी जो है, इनके जो पैसे जो भ्रष्टाचार से इन्होंने इकट्ठे किए हैं उनको इकट्ठा कराना है। और फिर हमारे सदस्यों को ये बाहुबली तंग ना करें, तो जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है शपथ लेंगे, उसके दूसरे दिन ही जो है एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा बाहुबलियों को, कि जिन्होंने जो है ना पैसे दिए हैं और यदि वो पैसा वसूलने जाते हैं तो उनका ये संज्ञेय अपराध होगा और उन बाहुबलियों को जेल जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये जो व्यक्ति हैं हमारे गरीब सदस्यों को ये तंग भी नहीं कर पाएंगे पैसे लेने के बावजूद भी, क्योंकि पैसा लेने के लिए तो मिशन कह रहा है ना उनसे, तो पैसे लेने के बावजूद भी टिकट जो है ना वोट उसको नहीं देंगे, वोट अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे। अब बताओ इस व्यवस्था के तहत हमारे किसी भी गरीब सदस्य का भी नुकसान नहीं हुआ, हुआ नुकसान नहीं, नहीं हुआ नहीं, बल्कि उसे 10 गुना ज्यादा पैसा मिल गया, राइट, मिल गया कि नहीं मिल गया। और वोट उसे अपने चंद्रगुप्त को देना है और ये बाहुबली उसे तंग नहीं कर पाएंगे, ये जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो इतनी पावरफुल व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त ने सोच के रखी है। सर मुझे ये जानना था कि अपने जो 21 उद्देश्य आपने बताए हुए, वो 21 उद्देश्य क्या है, वो आप जो है उसको पढ़िए, वो जो है हर जो है वीडियो में यदि आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, इसके लिए आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। हाँ, वो तो सर किया है, तो वो जवाब जवाब जब उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए तो उसमें शपथ का डिटेल दिया हुआ है, उसमें जो है 5 अंताविधाएं और 16 बाह्यविधाओं के बारे में दिया गया है, उसमें जो है 21 उद्देश्यों के बारे में दिया गया है, और उसमें जोश दिलाया गया है कि सभी चंद्रगुप्त बनो, सभी राजनेताओं की, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं की जमानतें जब्त करना है 2024 में। तो मिस्टर कुलदीप आपको भरोसा हो गया है कि नहीं कि ये आप ऐसा करने में सफल होंगे? नहीं बिल्कुल, आपका जो कामकाज है उस पर मुझे भरोसा है कि आप अपनी तरह से मेहनत सही कर रहे हैं और हम भी उसमें लोगों को जोड़ने की मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था सर कि इसके अंदर ये भी एक एप्लीकेशन है, तो जैसे दूसरी एप्लीकेशन सरकार बैंड करा सकती है, ये एप्लीकेशन बैंड नहीं करा सकती? ये लोगों को ये सरकार किस नियम के तहत बैन कराएगी और ऐसी दूसरी एप्लीकेशन बना लेंगे? बनी बनाई एप्लीकेशन की कॉपी बनाने में दूसरे नाम से कितनी देर लगेगी? नंबर वन, नंबर वन जो बेन करेगा साले को जेल में सड़ाएंगे फिर बाद में अपन। अब अपन को इनके दिमाग में खौफ पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपराधिक काम कर रहे हैं। ये कोई भी सरकार जो है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। यदि आज जो है देश के प्रधानमंत्री चाहें तो इनकी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। तो एंट्री 2 शेड्यूल 7 के तहत कोई भी राज्य सरकार अपने जो है ना संवैधानिक मशीनरी का पालन नहीं कर रही है, और इसके लिए जो है संविधान ने एक गवर्नर पोस्ट की जो है ना व्यवस्था की है। उस गवर्नर को साक्ष्य के साथ लिखना चाहिए कि सरकार हमारी ठीक ढंग से नहीं चल रही, इसे रद्द करें। लेकिन सब राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, वो क्यों लिखेंगे? बात समझ आई कि नहीं आई है? सही है।
सर आपकी बात। आप ये बताइए, ये सब सरकारें गिर जाएंगी। अब बताइए, 2019 में एक मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, और ये जो मठाधीश जो है कहते हैं कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। दिस इज द वायलेशन ऑफ द और दिस इज द फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, क्योंकि संविधान ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं दिया है। लेकिन 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी में ताकत ही नहीं है कि उनको डिसमिस कर दे। अदरवाइज अदरवाइज ये तो बताइए, क्या कोई प्रधान कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने विधित अधिकार के, वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार के तहत कोई एक्ट बनाया है उसको ना मानने का, कहने का अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं है। उसके इतना कहने के मात्र पर ही उसको आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन ये कहने के लिए 56 इंच के सीने वाले हैं, इनका असली सीना तो 16 इंच से भी कम है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल नियम कानून के साथ बता रहा हूं। बिल्कुल समझ गया सर। पुलिस एक्ट के बारे में आप 1861 का ही हमारे यहाँ पे एक्ट चल रहा है या अभी भी, ये मैंने सुना। राजनेताओं को जो अंग्रेजों का ये एक्ट अच्छा लगता है, इससे आपका ये दमन कर सकते हैं, आपका दोहन कर सकते हैं। इसलिए पुलिस आजकल इन्हीं से पूछ के रिपोर्ट लिखती है, इन्हीं के कहने पे किसी को बंद करती है। आप जूते खाइए, आप मरिए, आप इसकी चिंता किसी को थोड़ी है। तो सर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई रिजल्ट दिया था, मैंने ऐसा सुना है कि डीजीपी तो प्रकाश सिंह ने उससे क्या फर्क 1986 पड़ता है? में दिया है उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो है, इन्हें संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में कोई भेद थोड़ी है। ये वही करेंगे जिससे इनको सत्ता में बने रहने का मौका। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या ये बहुत ज्ञानी लोग हैं? क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं? ऊपर से अपराधी और हैं। ये आपके मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं, मुझे बताइए? और वो भी तीन तीन चार चार बार। और जब ये जो है ना किसी कारण से जेल जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री जेल गया भ्रष्टाचार के मामले में, तो उसने अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक जो है ना, एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री के नाम से प्रचारित करते हैं, वो 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। इतने दुष्ट हैं कि 9वीं फेल जो है व्यक्ति को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, अपने को सत्ता में रखने के लिए कुछ भी करेंगे। ये दुष्ट लोग सिर्फ सत्ता में बने के लिए, बने रहने के लिए कितना आपस में सांठ गांठ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा पूछना ये था कि डीजीपी प्रकाश सिंह ने जो 1996 में जो पीआईएल दाखिल की अरे, ना, उसके पीआईएल के तहत 7 बिंदु जजमेंट 2006 में दिया गया था। तो जो प्रकाश सिंह जी ने जो पीआईएल दायर की थी वो 96 में की थी, राइट? दस हाँ, तो साल उसको दस एप्लाई साल क्यों दस नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जब सब दस गवर्नमेंट तो को, उस आदेश का खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी में इतने दुष्ट लोग बैठे हैं कि वो जो है इसके वायलेशन की ठीक रिपोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट को बना के ही नहीं देते हैं। तो ये जो विद्वान लोग हैं, ये सब जो है देशद्रोही हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग हैं। इनके अब जो है पराजित होने का, नष्ट होने का, जेल में सड़ने का समय आ गया है। आपको बात समझ में आ गई है? ये सब, ये इतने विद्वान होने के बाद और संविधान से इनको प्रोटेक्शन मिलने के बाद इन्होंने आपका देश का जो है ना इतिहास बदल दिया। इन विद्वानों ने आपको बताया क्या? आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट की घोषणा से, प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से कैसे संविधान में पैदा हो गया? क्या हाँ संविधान वो ने, बात क्या संविधान के ने देश के प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया है? ऐसे रेड नहीं कर सकते कोई नहीं भी। कर सकते हैं। तो फिर जो है ये विद्वान लोग जो है आपके लिए थोड़ी हैं, ये तो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं जिससे इन्हें अच्छी नौ पोस्ट मिले और रिटायरमेंट के बाद इन्हें कहीं का कमीशन बना दिया जाए, कहीं का कुछ बना दिया जाए, या मंत्री बना दिया जाए। तो ये तो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, और ये राजनेता आप देशद्रोही हैं। इन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून गुलामी के थोपे हुए हैं। कुलदीप जागिए, लोगों को जोड़िए, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। इसमें कोई बिल्कुल संशय सर, है आपको? नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और तो अपने फिर में ये डाउट नहीं कलर है, तो चेंज फिर देर क्यों कर रहे हैं? जोड़िए सर, बिल्कुल। मेरा काम चालू ही है सर, मेरा काम चालू ही है, मैं कर आप क्या दिया। जो है ना नेशनल प्रेसिडेंट बन गए हैं क्या? आपने 100 लोगों को जोड़ दिया नहीं नहीं क्या? वो तो मैं करूंगा, तब तक मैं रुकने वाला भी नहीं, उसके बाद भी करूंगा। नहीं, उसके बाद यदि आप चंद्रगुप्त बन के मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो करना ही होगा, क्योंकि उसी आधार पर आगे चल के सांसद का टिकट मिलेगा। सर मैं उसी आधार पर मंत्री और पॉलिटिकल कोई मुख्यमंत्री भी, भी बनेंगे, मंत्री और मुख्यमंत्री भी उसी के आधार पर बनेंगे। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल लालच मेरी कोई नहीं है, वो जो संस्था को आपके जो सही लालच लगे वो वाली बात करे। नहीं है, ये तो व्यवस्था है, क्योंकि किसी न किसी को तो सांसद बनाना होगा। तो बिल्कुल, हम संस्था ऑब्जेक्टिव संस्था को जो सही लगे वो करे।
नहीं, हमें कोई नहीं, हम अपने विवेक में नहीं रखेंगे, ये आपके सामर्थ्य पर रखेंगे। तो जो लोगों को ओके जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त है, ये मैथिलीशरण गुप्त क्यों डिसाइड करेंगे? ये आप डिसाइड करिए ना कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है। और नियम सिस्टम सबके लिए एक समान है, सबके सबके लिए लिए एक एक समान समान है, आपको ज्ञानी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान लेके तो मैथिलीशरण गुप्त पैदा हो गए हैं ना, आपके जो है ना बिहाफ पे सब करने का। आपको तो बिल्कुल। केवल हाँ, चाणक्य, आपको चाणक्य है तो आपको चंद्रगुप्त को केवल कहा एक ही चिंता काम है। करना है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, बस। ये हाँ की जीत और ना की हार समझते हो कि नहीं समझते हो? आप किस तरह से कहना चाहते हैं? ये मैं इस तरीके से कहना चाहता हूं कि आपने विधानसभा में कभी कोई कानून पारित होते देखा हो तो हाँ सामने वाला कहता है कि ये ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, राइट? तो हाँ जी, हाँ सब जी, हाँ चीजों जी, को नियम कानून ऑर्डिनेंस को व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए हमारे चंद्रगुप्त अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उनका चाणक्य है उनका ही, चाणक्य जो चाणक्य है उनके कहेगा लिए। वही लक्ष्मण, वही जो है शाश्वत सत्य माना जाएगा। और यदि उसमें कुछ गलती भी होगी तो चाणक्य विचार करके उसमें परिवर्तन भी कर लेगा। बिल्कुल सर, और कुछ लोगों से हम बातचीत किए थे, एक से ये सवाल आ रहा था कि सर इसके अंदर अगर देखा जाए तो वन मैन आर्मी के हिसाब से आपका पूरा नॉलेज लग रहा है, बट अगर उनका ये कहना है कि अगर इनको कुछ भी अगर होता है बाय चांस, भगवान ना इनको करे, कुछ तो नहीं होगा क्योंकि ये कॉस्मोस कर रहा है, ये कुछ भी ओके। करेंगे तो कॉस्मोस जो है ना मैथिलीशरण गुप्त की रक्षा करेगा। हाँ तो उनका ये क्योंकि कहना है मिशन रुक जाएगा क्या क्यों मतलब? रुकेगा? मैथिलीशरण गुप्त हर दिन हर उसमें कह रहे हैं जो सिद्धांत हम पारित कर रहे हैं वो सिद्धांत आगे बढ़ाए जाए। भाई मैं कोई सीक्रेट काम तो नहीं कर रहा हूं ना, केवल पार्टी अकेली सीक्रेट बनाई है जिससे कि लोग उसमें गतिरोध पैदा ना कर पाए, वो पार्टी जन्म ले चुकी है। और उस पार्टी का और कोई काम नहीं होगा ना, वो जो है ना कोई पंपलेट निकालेगी, ना ये निकालेगी, ना वो निकालेगी, सिर्फ उसका एक ही काम होगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को टिकट बांटना। ओके सर, तो बताइए रणनीति कैसी है? आपकी सोच है वो आपने पूरी देश हित के लिए ही बनाई है, बस यही कहना है कि हम सब अपनी मेहनत करते रहे और जो सवाल हो तो आपसे पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जब आप पूछेंगे तो आप कितना भी यदि मेरी आलोचना भी करेंगे तो वो आलोचना भी पब्लिक के डोमेन में जाएगी, क्योंकि उस बिल्कुल बिल्कुल, आलोचना से भी पारदर्शिता हमें के कुछ साथ सीखने पूरा। का मौका मिलेगा। और फिर मेरी और मदद सर के लिए तो कॉस्मोस है ना, वो मुझे रोज बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उतना ही करता हूँ जितना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कहूँ वो करते जाइए, मैं भी वही करता हूँ जो कॉस्मोस मुझसे कहता है, क्या ठीक है बात ना? है, शायद हाँ, तो वो सुपर पावर है मतलब। हाँ कोई सुपर पावर हमको भी गवर्न कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा ये कहना था कि इसके अंदर हम लोगों को जोड़ते हैं तो लोग मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है तो उसको अगर कोई भी कहीं से भी लीगली परेशान करता है तो वो लीगली किस तरह से फाइट कर सके, हम हाँ उसको हाँ सपोर्ट करें उसका ऐसा। मार्गदर्शन भी हम देंगे, उसकी जो मदद होगी वो भी करेंगे। और यदि हम जब 100 करोड़ हो जाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर जो है जरूरत करने वालों को धूल चाटना पड़ेगी। लेकिन जब तक अपन 100 करोड़ नहीं है तब तक मार्गदर्शन भी देंगे और मार्गदर्शन रिकॉर्ड पे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो ओके संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, उनको पसीना आ जाएगा क्योंकि उनको लीगल नोटिस जाएंगे। अभी तक जो है ना वो अपने आप को बड़ा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि किसी ने उनको जो है ना उनका स्थान नहीं दिखाया है। जब उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया है तो उन्हें अपने कद का आभास हो जाएगा। अब ये तो अभी बताइए, जो संगठन जो के जो जो सरकारें अपने आप को बहुत बड़ा मान रही हैं और संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं कर रही हैं, वो मात्र एक रिपोर्ट के आधार पर आर्टिकल 356 के तहत उन्हें डिसमिस किया जा सकता है। उनके द्वारा कहना कि जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो पारित किया गया है मैं उसे नहीं मानूंगा, मात्र इतना कहने पर ऐसी सरकार को गिराया जा सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक मशीनरी की फेलोर को दर्शाता है। वो तो सर सही है, पर आर्टिकल ये जो 19(1) है उस हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, तो उसमें भी ये 295 तो ये फ्रीडम क्या ऑफ है? हाँ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उस उनको जो है ना इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। आप दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आप दूसरों के जो है ना धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, आप जो है ना दूसरे देशों ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे देशों से संबंध खराब हों। तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं उनके लिए ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बड़े वो टू लॉजिकल नाइनटी हैं। फाइव एम है ना सर? ओके, नहीं वो सभी जगह दिए गए, काफ़ी जगह दिए गए हैं। सेक्शन 295 ए में इस तरह से शायद बताया गया है। करेक्ट 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 करेक्ट, कानून पढ़िए कानून पढ़िए।
ठीक है। हाँ सर, वही कोशिश कर रहा, आपसे बात हुई तब से ये सब पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर। जाग जाइए, चंद्रगुप्त बनिए, बाकी जो है हम बिना चुनाव के प्रचार के, बिना खर्च के इन दुष्ट राजनेताओं को, और वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करेंगे, और पूरे के पूरे 543 सीटों पे वो पराजित होंगे। केवल क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त ही विजय होंगे ओके इस। सर, तो हमारे साथ जो संगठन में जुड़े हुए लोगों को अगर कोई लीगली हेल्प या कोई दिक्कत हो तो वो कोई यदि वो अपना कमेटी या डिटेल कॉन्टेक्ट कर देंगे सकते हैं तो फिर से हम उनकी आपको? मदद भी करेंगे, संबंधित अधिकारी से बात भी करेंगे और लीगली भी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी स्थिति एक, ये पूरी व्यवस्था जो है एक कुत्ता बन गई है। आज एक पागल कुत्ता आपको काट खाएगा, और यदि आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपको जो है ना बीमारी हो जाएगी, वेरी वेरी की तो रे, हेल्प रे, के लिए हर रे, एक बंदा रेवीज डायरेक्ट आपको आपको ही रे, कॉल आपको करेगा। आपको रेवीज हो जाएगी। तो रेवीज से बचना है तो इंजेक्शन लगाना होगा। लिहाजा वर्तमान व्यवस्था के तहत वी हैव टू फॉलो द फुल लीगल डिस्कोर्स। और हाँ तो सर मार्गदर्शन उसके लिए मार्गदर्शन के लिए तो डायरेक्ट मैथिली आपको शरण कॉल गुप्त करूँ। हैं, लेकिन करेक्ट, कोई भी सदस्य जो है सदस्य होने का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वो लीगली कोई प्रॉब्लम में है तो मदद की जाएगी, और यदि वो खुद लीगली आताताई है तो हम ही साले को जेल भिजवा देंगे। हाँ वो भी सही बात है, पर तो ये इसलिए सीधा हम, आपको ही संपर्क करें या इसके लिए कोई टीम रखा है या कुछ नंबर या कुछ चीज? आप तो हमसे ही संपर्क करिए, बनमैन आर्मी है। ऐसा नहीं, अपने मेरे नीचे कोई अगर कुछ हेल्प मांगता है अभी तो मैं अभी आपको कॉल अभी करूँ या अभी डायरेक्ट अभी वो कराऊँ? अभी वो लीगल टीम बना देंगे तो फिर लीगल टीम से मदद मिल जाएगी। लेकिन लीगल टीम भी पहले सुन के हमसे चर्चा करेगी, इसके बाद मदद की बात बिल्कुल करेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो मेरे बिना अप्रूवल के कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सर, ठीक है? हाँ जी, तो आपको अपने सभी चीज़ों का जवाब मिल गया। हाँ जी सर, आप चंद्रगुप्त बनने के लिए एनर्जी आपके अंदर कुछ पैदा हुई है? ऑब्वियसली सर, आपसे बात करके तो हमेशा एनर्जी मिलती है। चलिए, तो आप भिड़ जाइए। और जो है आपने अपनी पत्नी को जोड़ दिया है? सर अभी तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ। सिंगल हैं। आपने अपने भाई बहनों को जोड़ दिया है? हाँ मैंने मेरे भाई बहनों से बातचीत किया है, लेकिन वो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में है इसलिए उससे तो कोई नहीं फर्क है। नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ कि देर इज नो वायलेशन ऑफ एनी रूल, देर इज नो वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल। तो सभी ओके शासकीय सर, सेवा में रहने वाले, अशासकीय सेवा में रहने वाले सभी जुड़ सकते हैं। ओके सर, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी जोड़ सकते हैं? सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को जोड़ना है। जो आज नहीं जुड़ेंगे वो 2024 में जुड़ जाएंगे, कि उसके लिए कबीर दादा कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की इज्जत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो कुछ दुष्ट लोग जो है ना वेट करेंगे, जब चारों तरफ से लालिमा फैल जाएगी तो वो उन्हें फिर डर नहीं लगेगा। अभी कुछ लोगों को अनावश्यक डर लगता है, क्योंकि वो डर जो है गलत है। आप देश हित की बात कर रहे हैं, आप कोई किसी का वो नहीं कर रहे हैं, आप कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप कोई कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई कंडक्ट रूल को वायलेशन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा सभी शासकीय और अशासकीय व्यक्ति, सभी प्राइवेट, सभी व्यक्ति, पूरे 137 करोड़ लोग टेक्निकली जुड़ सकते हैं। इसमें कोई बाधा या व्यवधान नहीं है। क्यों? हर क्योंकि एक बंदे क्राइम को फ्री जोड़ भारत सकते हैं। मिशन है, आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ओके सर, पॉलिटिकल पार्टी केवल चंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए आएगी, और पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं है। और क्राइम फ्री भारत मिशन कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा। ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में होगा या अलग से होगा हमारा पॉलिटिकल, आप जो बता रहे हो? जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जैसी बहुत सारी पार्टियां होती हैं उन्हीं की सभी कोडल फॉर्मेलिटी करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन के जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन करती है, लेकिन उनके अधीन नहीं होती है। तो सर इसका वोटिंग जो है वो ईवीएम के थ्रू ही होगा या आप अलग से बता रहे हो नहीं नहीं थाने नहीं यूज़ कुछ के? नहीं होगा। जो वर्तमान प्रक्रिया निर्धारित है उसी के तहत इन राजनेताओं को आपको पराजित करना होगा, वर्तमान व्यवस्था के तहत, जब तक आप उस व्यवस्था को नहीं बदल देते हैं। क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना यह है कि इस व्यवस्था को भी हम बदलेंगे, पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लेके आएंगे। क्योंकि ये पार्टियां जब तक रहेंगी, इनके आका रहेंगे, वो अपने हितों को साधेंगे, तो हितों के साधने की मशीन ही बंद कर दी जाना, फैक्ट्री ही बंद कर देंगे ना आगे चल के। तो सर इसलिए ईवीएम के लोग इसलिए सवाल इसलिए उठाते हैं तो ईवीएम के लोग सवाल उठाते हैं तो वो ट्रस्टेड रहेगा? देखो, जो वर्तमान व्यवस्था है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत ही आपको इन राजनेताओं को हराना होगा। तो मैं ऐसे किसी विषय पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता हूं जिससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होना है। ओके सर, राइट? ओके सर, आपको अपनी सभी बातों का जवाब मिल गया हो तो मैं इस वार्तालाप को बंद करूं। बहुत अच्छा सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।